हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। कोविड वैक्सीनेशन में ना जुगाड़ चलेगा ना पावर, सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा तय प्राथमिकता का हो अक्षर सा पालन, 3 दिन में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का होगा कोविड टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने की टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा, कहा जरूर जीतेंगे कोविड के खिलाफ जंग। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा मंडल में लक्ष्य के सापेक्ष 92% की जा चुकी है धान की खरीद, लापरवाही करने वालों पर की गई है कार्रवाई, दर्ज की जा चुकी है FIR। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने COVID-19 वैक्सीन की टीकाकरण कराकर की जिले में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत, कहा टीकाकरण होने के बाद नहीं हुई कोई समस्या। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हाल में आयोजित किया गया सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस, कमिश्नर DIG ने भी सुनी फरियादियों की फरियाद, दिए निस्तारण के निर्देश। मंडलायुक्त DM CDO ने किया शहीद स्थल चौरी चौरा का निरीक्षण, 4 फरवरी से शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियों का लिया जायजा, कहा सभी शहीद स्थल पर होगा दीपोत्सव, इतिहास में दर्ज होगा चौरी चौरा का नाम। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक, कहा शासन द्वारा दिए गए धन को गांव के विकास में उपयोग किया जाना है मुख्य प्राथमिकता। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील सभागार में संपन्न हुई जिला स्तरीय संपूर्ण तहसील समाधान दिवस, आए 127 मामलों में से 9 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। नवागत CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे गोरखपुर न्यूज से हुए रूबरू, कहा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ही होगी पहली प्राथमिकता। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित संपूर्ण तहसील समाधान दिवस पर हुई कोरोना की जांच, 141 में से 8 लोग पाए गए पॉजिटिव। ADM फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा, बनी रणनीति। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,148, अब तक 347 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 287 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के नव नियुक्त शिक्षकों का 2 दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रशिक्षण हुआ संपन्न, प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को दिया गया सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गोरखपुर के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने DIOS कार्यालय पर दिया धरना, जताया विरोध। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित 15 दिवसीय मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का महापौर ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा प्रदर्शनी से मिलेगा खादी उत्पादों को बाजार, बनेंगे आत्मनिर्भर।